अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात और हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात का आज ये मलफूज नंबर 26 जो कि हज़रत की मलफूजात की किताब में छपा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिही लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद। एक बैठक में फरमाया, सब काम करने वालों को समझा दो, सब काम करने वालों को समझा दो कि इस राह में बलाओं और तकलीफ़ों को खुदा से मांगें तो हरगिज़ नहीं, इस राह में बलाओं और तकलीफ़ों को खुदा से मांगें तो हरगिज़ नहीं, बंदे को अल्लाह से हमेशा सुकून व आफियत ही मांगना चाहिए। लेकिन अगर अल्लाह पाक इस राह में ये मुसीबतें भेज दें तो फिर उनको खुदा की रहमत और बुराइयों के कफ़ारे का और दर्जों के बुलंद होने का ज़रिया समझा जाए। लेकिन अगर अल्लाह पाक इस राह में ये मुसीबतें भेज दे तो फिर उनको खुदा की रहमत और बुराइयों के कफ़ारे का और दर्जों के बुलंद होने का ज़रिया समझा जाए। खुदा की राह में इस किस्म की मुसीबतें तो अंबिया व सिद्दीकीन और मुकर्रबीन की ख़ास ग़िज़ाएँ हैं। खुदा की राह में इस किस्म की मुसीबतें तो अंबिया सिद्दीकीन और मुकर्रबीन की ख़ास ग़िज़ाएँ हैं। ये मलफूज हज़रत का मलफूजात की किताब में छपा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर भी इसकी पूरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात है। मलफूज एक से लेके जितने मलफूज आ चुके हैं और इंशाल्लाह जितने मलफूज आएंगे सारे के सारे मलफूज आपको हमारी उस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।